वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 13 मार्च 2019 और 13 मार्च 2019 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सिरसी सुपारी को GI टैग प्रदान किया गया है? तो सिरसी सुपारी ये कहां पे होती है? ये कर्नाटक में होती है और इसको अभी हाल ही में GI टैग प्रदान कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी एक चीज को और GI टैग प्रदान किया गया था, केरल के मरयूर गुड़ को GI टैग प्रदान किया गया था और अब ये कर्नाटक की सिरसी सुपारी को GI टैग प्रदान कर दिया गया है और ये पहली बार है जब किसी सुपारी को GI टैग दिया गया है। ये होती है सिरसी सुपारी। ये कुछ कुछ आपको चुकंदर के आकार की लग रही होगी लेकिन चुकंदर से ये छोटे आकार की होती है, सेब वही होती है। तो ये होती है सिरसी सुपारी और इसको अभी हाल ही में GI टैग दिया गया है। और GI टैग के बारे में आपको बताया था, जब कोई भी चीज किसी पर्टिकुलर स्थान पर फेमस हो जाती है तो उस चीज को उस स्थान की पहचान बनाने के लिए GI टैग दे दिया जाता है। GI यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, तो सिरसी सुपारी को दिया गया है। अब ये कर्नाटक में होती है तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? HD कुमारस्वामी। और कर्नाटक के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? बज्जू भाई बाला। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको कई बार बोल चुका हूं, मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। अगर ये टारगेट फिक्स करने वाली हैबिट एक बार आपने अपने अंदर डेवलप कर ली तो आपको अपनी लाइफ में बहुत अच्छे चेंज दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आहार का 34वां संस्करण अंतरराष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला कहां शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है नई दिल्ली में, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आहार का 34वां संस्करण द इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर ये अभी हाल ही में नई दिल्ली में शुरू हुआ है और इसमें अमेरिका, रसिया, चाइना, ब्रिटेन सहित 20 से ज्यादा देशों ने पार्टिसिपेट किया है। इन 20 से ज्यादा देशों के फूड एक्सपर्ट और फूड कंपनीज के जो CEO हैं, जो मेन व्यक्ति हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो अभी हाल ही में ये नई दिल्ली में शुरू हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO ने पिनाका गाइडेड वेपन सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां किया है? तो अभी हाल ही में DRDO ने पिनाका गाइडेड वेपन सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है राजस्थान के पोखरण में, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है पिनाका गाइडेड वेपन सिस्टम। ये क्या होता है? GPS इसमें लगा होता है और ये सटीक निशाने को भेजता है। तो ये होता है पिनाका गाइडेड वेपन सिस्टम और इसका सफलतापूर्वक परीक्षण DRDO ने किया है। अब DRDO ने किया है तो DRDO की फुल फॉर्म क्या होती है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1958 को। DRDO का हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। DRDO के प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? G. Satish Reddy। और एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है DRDO से कि DRDO का मोटो क्या है? तो DRDO का मोटो होता है बलस्य मूलम विज्ञानम। क्या होता है? बलस्य मूलम विज्ञानम। ये तो संस्कृत में है और कई बार ऑप्शन में इंग्लिश में भी लिख देता है, तो इंग्लिश में होता है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। तो दोनों आपको याद रखना है, इंग्लिश वाला भी याद रखना है और संस्कृत वाला भी याद रखना है। अच्छा, DRDO के बारे में आपको कई बार बता चुका हूं, अगर आप रेगुलर मॉर्निंग में उठकर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो ये चीजें आपको याद हो गई होंगी। मैं आपको कई बार बोल चुका हूं, आप मॉर्निंग में बिस्तर छोड़ने से पहले ये वीडियो देखने की हैबिट बना लो। अगर ये हैबिट आपने बना ली
तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका करंट अफेयर्स का एक सिंगल भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत में 1 मिलियन छात्राओं को प्रशिक्षित करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में IBM ने भारत में 1 मिलियन छात्राओं को प्रशिक्षित करने की घोषणा की है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ट्रेनिंग देगा ये IBM भारत की 1 मिलियन छात्राओं को, और इंडिया के लगभग हर राज्य में इन छात्राओं को ट्रेनिंग देगा IBM। अब IBM देगा तो IBM की प्लेटफॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM की स्थापना कब हुई थी? 1911 में। IBM का हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यूयॉर्क में। और IBM के प्रेजेंट टाइम पे CEO कौन है? गिनी रोमटी प्रेजेंट टाइम पे IBM के CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नया वीजा समझौता लागू किया है? तो अभी हाल ही में अपने देश भारत ने मालदीव के साथ नया वीजा समझौता लागू किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये क्या है नया वीजा समझौता? तो इसमें वीजा के नियम को कुछ आसान बना दिया गया है और जो टाइम लगता था उसको और कम कर दिया गया है, यानी कि पहले से अपडेट कर दिया गया है। तो अभी हाल ही में अपने देश भारत ने मालदीव के साथ नया वीजा समझौता लागू किया है। अब मालदीव के साथ किया है तो ये है मैप में मालदीव। मालदीव की कैपिटल क्या है? माले। मालदीव की करेंसी क्या है? मालदीवियन रुपया। और मालदीव के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कपड़ों के सबसे बड़े संग्रह के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है? तो अभी हाल ही में राजस्थान ने कपड़ों के सबसे बड़े संग्रह के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। राजस्थान के उदयपुर में शाही परिवार के एक व्यक्ति हैं लक्ष्य राज सिंह मेवाड़। इन्होंने 3 लाख से ज्यादा पुराने वस्त्रों का कलेक्शन किया है और इसमें एक स्कूल, कॉलेज और एनजीओ ने भी पार्टिसिपेट किया। और ये जो 3 लाख से ज्यादा वस्त्र कलेक्ट किए गए, यानी कि जो कपड़े कलेक्ट किए गए, उनको गरीबों में बांट दिया गया है। तो ये एक नया रिकॉर्ड बनाया है राजस्थान ने और इसीलिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज किया गया है। अब राजस्थान में बना है ये रिकॉर्ड तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। राजस्थान के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर है कल्याण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बार्बी रोल मॉडल के रूप में चुना गया? तो अभी हाल ही में दीपा कारमाकर को बार्बी रोल मॉडल के रूप में चुना गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। बार्बी ने अपनी 60वीं वर्षगांठ पर दीपा कारमाकर को बार्बी रोल मॉडल के रूप में चुना है। ये है दीपा कारमाकर और ये भारत की ओलंपिक में पहली जिम्नास्ट हैं। कौन है? भारत की ओलंपिक में ये पहली जिम्नास्ट थी और इनको अभी हाल ही में बार्बी रोल मॉडल के रूप में चुना गया है। अच्छा, ये जो दीपा कारमाकर हैं, ये हैं कहाँ की? ये भी तो पता होना चाहिए कि दीपा कारमाकर आखिर हैं किस राज्य की? तो ये हैं त्रिपुरा की। त्रिपुरा में अगरतला की हैं ये दीपा कारमाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिजोरम के पहले लोकायुक्त कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में सी लाल सावता मिजोरम के पहले लोकायुक्त बने हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं सी लाल साप्ता और यही बने हैं मिजोरम के पहले लोकायुक्त। अब मिजोरम के पहले लोकायुक्त बने हैं तो ये है मैप में मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल क्या है? आइजोल। मिजोरम के चीफ मिनिस्टर कौन है? जोराम थंगा। और मिजोरम के गवर्नर ने तो अभी इस्तीफा दिया है, मैंने आपको बताया भी था। कौन थे मिजोरम के गवर्नर? कुम्मनम राजशेखरन, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो इतना आप मिजोरम के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना है? तो हथियार आयातक यानी कि वेपन्स का सबसे ज्यादा इंपोर्ट करने वाला देश कौन सा बना है? तो ये बना है सऊदी अरब, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। सऊदी अरबिया दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है। अब सऊदी अरबिया तो सबसे बड़ा बना है तो दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पे है अपना देश भारत। पहले पे है सऊदी अरबिया, दूसरे पे है अपना देश भारत और तीसरे पे है इजिप्ट।
अब सऊदी अरबिया नंबर वन पे है, तो ये है मैप में सऊदी अरब। सऊदी अरबिया कैपिटल क्या है? रियाड। सऊदी अरबिया की करेंसी क्या है? सऊदी रियाल। और सऊदी अरबिया की क्राउन कौन है? मोहम्मद बिन सलमान। इन्हें सलमान ऑफ सऊदी अरबिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने संयुक्त रूप से चार विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो अभी हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त रूप से चार विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भारत के प्रधानमंत्री और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू संयुक्त रूप से चार विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। अब ये चार विकास परियोजनाएं हैं कौन? तो एक तो है बसों व ट्रकों की आपूर्ति, दूसरा है 36 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का उद्घाटन, तीसरी है 11 जिलों में उपचार संयंत्र केंद्रों का उद्घाटन, और चौथी है बांग्लादेश राष्ट्रीय नॉलेज पार्क का अपडेट। तो ये चार विकास परियोजना है और इनका उद्घाटन संयुक्त रूप से भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किए हैं। अब बात है बांग्लादेश की, तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला हामिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो अभी हाल ही में हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 47 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए हैं, यानी किस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। कुलदीप नैयर, सुखदेव सिंह, एस जयशंकर सहित टोटल 47 व्यक्तियों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्म पुरस्कार प्रदान किए हैं। अच्छा, ये जो पद्म पुरस्कार होते हैं ये तीन कैटेगरी में होते हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री। तो इन तीन कैटेगरी में पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बार के निदेशक कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में बार के निदेशक बन गए हैं डॉक्टर ए के मोहंती, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं डॉक्टर ए के मोहंती और ये अभी हाल ही में बार्क के निदेशक यानी कि डायरेक्टर बन गए हैं। अब बार्क, तो बार्क की फुल फॉर्म क्या होती है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। बार्क की स्थापना कब हुई थी? 1954 में। बार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और बार्क के अभी तक डायरेक्टर कौन थे? के एन व्यास, लेकिन अब नए डायरेक्टर बन गए हैं डॉक्टर ए के मोहंती। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में अटल आहार योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है, तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र ने अटल आहार योजना की शुरुआत की, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है, मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में मोहम्मद सतायह को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पर इंद्रेश RC, INDRESHRC, इंस्टाग्राम पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। आज के वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना, आज की वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।